सोनम लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज सेवई। सेवई बनाने के लिए हमें गैस में कढ़ाई चढ़ा लेना है और उसमें एक चम्मच घी डाल लेना है। हमने 250 ग्राम सेवई लिया है। अब उनको हमें धीमी आंच में भून लेना है। सेवई को हमें धीमी आंच में ही भूनना है, नहीं तो हमारा सेवई जल सकता है। अब हमें सेवई को उल्टा पलटा कर हमें हल्के गोल्डन फ्लेवर होने तक हमें धीमी धीमी आँच में भून लेना है। तो अब हमारा सेवई हल्का गोल्डन फ्लेवर हो चुका है। तो अब इसमें हमें दूध डाल लेना है। हमने 250 ग्राम सेवई के हिसाब से हमें उसमें 250 ग्राम दूध डालना है। कृपया हमारे वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हमें सेवई को दूध के साथ अच्छे से मिला लेना है और इसमें हमें 4 से 5 चम्मच शक्कर डाल लेना है। शक्कर डालने के बाद हमें लौंग इलायची पाउडर को भी डाल लेना है और इनको बहुत अच्छी तरह से हमको मिला लेना है। हमने यह सेवई बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। यह सेवई बनाने की बहुत ही आसान विधि है। आप चाहे तो इसमें काजू बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ काजू का इस्तेमाल किया है। तो हम आपको आगे कटोरी में सर्व करके दिखाएंगे। तो अब हमारा सेवई बनकर तैयार है। तो हमें अब गैस को बंद कर लेना है। हमारा सेवई बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आप रात के समय बनाएं यह मीठे सेवई की रेसिपी और आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें।